यहाँ पे लोग इसको देखकर पूरी तरीके से शॉक है यार, क्योंकि कार इतनी ज्यादा पावरफुल है भाई साहब। ये कार इतनी ज्यादा फास्ट रहेगी भाई, इधर से उधर देखते ही देखते निकल रही है। पर कोने भाई पलक झपकते ही रलार लोगों को उठा के फेंक दिया इतनी बिजली की रफ्तार से ऐसे के। Hey guys, मेरा नाम है रयान। 3-4 दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कार को अनबॉक्स करके आपको दिखाया था। आज मैं ये कार की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इस ये कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि ये मारुति 800 जैसी दिखाई दे रही है। सच में गाइस ये कार मारुति 800 जैसी ही दिखाई दे रही है। आज देखते हैं गाइस क्या ये कार इससे भी स्पीड चल पाएगी या फिर नहीं। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ बहुत सारी आरसी कार्स के साथ। जैसे कि गाइस ये है ट्रैक्सेस मैक्स आरसी कार, इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। मेरे पास टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार है, ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया आरसी कार है। अगर आप एक सस्ते में कार खरीदना चाहते हो तो ये खरीद सकते हो, इसका प्राइस 8000 रुपीस है। और सबसे सुपर फास्ट आरसी कार ये है रलार लियो आरसी कार। आपको पता होगा इस ये कार की भी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रशलेस मोटर दी गई है। चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। इसके अंदर भी दो अलग अलग बॉक्सेस मिलते हैं, और ये है इसकी यूजर गाइड, और ये है इसका जायरो सेंसर का यूजर मैनुअल। जायरो सेंसर को किस तरह से यूज करना है इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये कार के अंदर भी जायरो सेंसर दिया गया है। सबसे पहले ये वाले बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर देखो ये वाला रिमोट दिया गया है, 3-चैनल रिमोट मिलता है। ये है इसकी 2S बैटरी, 2000mAh की बैटरी दी गई है, 15C इसकी कैपेसिटी है। तो आज मैं इसके अंदर 3S बैटरी यूज करने वाला हूँ। और क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। सेम वैसे ही एक कूलिंग फैन दिया गया है, एक्स्ट्रा व्हील्स है, यहाँ पर स्पैनर है, चार्जर है, और ड्रिफ्ट करने के लिए प्लास्टिक के व्हील्स भी दिए गए हैं। चलो अभी ये वाली कार को निकालते हैं, देखते हैं गाइस मारुति 800 और इसके अंदर क्या फर्क दिया गया है, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग सेम है। अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप ये कार को भी खरीद सकते हो। इसका भी प्राइस 18000 रुपीस है। दिखने में गाइस मेरे को ये आर्मा की इन्फ्रैक्शन जैसी दिखाई दे रही है, भाई साहब उसी से ये इंस्पायर्ड मेरे को लग रही है, क्योंकि सामने देखो आर्मा इन्फ्रैक्शन के अंदर भी इसी तरह की हेडलाइट दी जाती है, और यहाँ पर पुलिस की बत्ती भी इसके अंदर दी गई है। गाइस नाइट में तो भाई ये कार एकदम गजब की नजर आएगी, काफी ज्यादा एरोडायनामिक इसका डिजाइन है। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी बहुत सारी एलईडी लाइट्स जिसके अंदर दी गई है, 4WD है ये कार कंप्लीटली। पीछे की तरफ से इसका डिजाइन इस तरह का दिया गया है, यहाँ पे भी देखो यार बहुत सारी एलईडी लाइट्स है, टेल लाइट भी इसके अंदर दी गई है, और ये प्रॉपरली काम भी करती है। पीछे यहाँ पे एंटी कोल्यूशन बंपर है, सामने की तरफ आपको यहाँ पे एंटी कोल्यूशन बंपर अंदर की तरफ नजर आएगा। तो ये रही लेमन 11.1 वोल्ट बैटरी, 3S की बैटरी है। ये डालने के बाद इसकी स्पीड भाई गजब होने वाली है। नीचे की तरफ देखो कम्प्लीटली मेटल की चासिस इसके अंदर भी दी गई है। ये लो अब अनबॉक्स करते हैं मैक्स को। ये है ट्रैक्सेस एक्स मैक्स का छोटा भाई मैक्स, यहाँ से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। आज देखते हैं गाइस क्या ये कार हाइपर गो को रेस में हरा पाती है या नहीं। ये इसका TQI रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट को मैंने निकाल लिया है। जैसे कि ट्रैक्सेस एक्स मैक्स के अंदर रिमोट मिलता है, इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह का रिमोट देखने को मिल जाता है। अब निकालते हैं मैक्स को यहाँ से, ये देखो गाइस इसको निकाल लिया है मैंने। इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। मेरे को नहीं लगता गाइस आज हाइपर गो इसके सामने टिक पाएगी भाई, क्योंकि इसके अंदर 4S बैटरी डलती है। ये इसके व्हील्स देखो कितने ज्यादा बड़े साइज के, पीछे की तरफ व्हीली बार भी इसके अंदर दिया गया है। नीचे कम्प्लीटली चैसिस इसकी मेटल की देखने को मिल जाती है। ये कार बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है गाइस, सामने की तरफ एंटी कोल्यूशन बम्पर भी है, और ये बम्पर बहुत ज्यादा मजबूत है। तो अभी इसके अंदर का हार्डवेयर मैं आपको दिखाने वाला हूं गाइस, यहां से इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा इसका हार्डवेयर, इसके अंदर भी ब्रशलेस मोटर दी गई है। ऊपर की तरफ कूलिंग फैन है, यहाँ पे इसका ESC है, ESC के ऊपर भी कूलिंग फैन दिया गया है। यहाँ पे इसका सर्वो है, इसको कम्प्लीटली कवर किया गया है ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। 4S बैटरी भी लगा सकते हैं और 3S बैटरी भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने 4S बैटरी लगाई है ताकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ सके। ये हाइपर गो को मैंने मैक्स के बाजू में रख दिया है। दोनों के साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस है, पर ये कार एरोडायनामिक होने के कारण मेरे को लग रहा है गाइस रेस में इसको आज पक्का हराएगी, क्योंकि गाइस ये कार की स्पीड बहुत ज्यादा ऑसम है। साइड में मैंने रलार लियो को भी रख दिया है, रलार लो और इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम है। ये एक बग्गी आरसी कार है, ये एक रेसिंग रैली आरसी कार है। तो ये है टाइगर टेक आरसी कार, ये ऑलमोस्ट तीनों कार सेम साइज की है। चलो गाइस अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन जीतता है। लेट्स गो।
ओके सबसे पहले हाइपरगो की लाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई साहब इस तरह की लाइट्स मैंने आज तक कोई भी कार के अंदर नहीं देखी है। इसका पैटर्न भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ भी एक एलईडी स्ट्रिप दी गई है, पीछे की तरफ रेड कलर की एलईडी स्ट्रिप दी गई है और इसके इंडिकेटर्स भी काम करते हैं। चलो फटाफट से इसको टच करते हैं। ओ माय गॉड इसकी भी स्पीड देखो यार, बड़ी खतरनाक है। ब्रेक लगाते हैं भाई साहब, जैसे कि पिछली वाली हाइपरगो थी इसके अंदर भी सेम दिक्कत है, इसके ब्रेक्स नहीं लगते है गाइस, क्योंकि ये कार थोड़ी सी हल्की फुल्की है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो कार एकदम रगड़ खाती हुई जा रही है रोड के ऊपर। बाकी ये कार बहुत ऑसम तरीके से ड्रिफ्ट भी कर सकती है। यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रिफ्ट करा के भी बताने वाला हूँ। ये देख लो गाइस, ये बहुत स्पीड से ड्रिफ्ट करती है। अगर मान लो इसके सामने कोई भी आता है तो यार उसका हाथ भी टूट सकता है। इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा अमेजिंग है। अभी तक मैंने इसके अंदर ड्रिफ्ट वाले व्हील्स नहीं लगाए, फिर भी ये कार रोड के ऊपर इतनी तगड़ी तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है। सच में गाइस 18,000 की कार इतनी स्पीड से चलेगी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल से इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास तक जा रही है। मेरा कैमरा इसकी स्पीड बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि कार है इतनी फास्ट। अब एक्समैक्स के छोटे भाई मैक्स को भी टच करके देखते हैं ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल हैगी। अगर मैं इसके अंदर फुल ट्रिगर प्रेस करता हूं तो देखो कार इस तरह से पलटने लगती है। बाकी ये कार की सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो ये कार बहुत दूर तक व्हीली कर सकती है। अभी इसको मैं बहुत दूर से लेके आके ब्रेक मारने वाला हूं। ये देख लो गाइस सही से ब्रेक लगा नहीं यार, यहां पे लोग इसको देखकर पूरी तरीके से शॉक है यार क्योंकि ये कार इतनी ज्यादा पावरफुल है। अब ये रलार लो आरसी कार को टच करके देखते हैं। इसके अंदर भी एक ब्रशलेस मोटर दी गई है, इस वजह से ये कार के अंदर भी बहुत ज्यादा गजब की पावर है और ये कार बहुत कमाल कमाल के स्टंट भी कर सकती है। जैसे कि ये रोल करते करते नीचे गिर जाती है तो गाइस अपने आप सीधी भी हो जाती है। अब मैं हाइपरगो की रेस कराने वाला हूँ टाइगर टिक आरसी कार के साथ। देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। दोनों को साइड बाय साइड में चला रहा था, अभी जैसे मैंने फुल ट्रिगर प्रेस किया है हाइपरगो की स्पीड देखोगा कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसके हवा के झोंके के कारण टाइगर टिक पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी कि इसको किस तरफ जाना है। क्लियरली फर्स्ट राउंड में भी जीत चुकी है हाइपरगो, सेकंड राउंड में भी जीत चुकी है। अब ये फाइनल राउंड देखते हैं गाइस। यहां पे देखो हाइपरगो ने यहां पे धूम मचा रखी है यार। क्लियरली हाइपरगो आरसी कार जीत चुकी है रेस में। टाइगर टिक इसके आसपास में भी नजर नहीं आ रही है। अब देखते हैं क्या हाइपरगो आरसी का रलार्लो को भी रेस में हरा पाती है नहीं, क्योंकि रलार्लो के अंदर ब्रशलेस मोटर दी गई है। पहले दोनों को मैं धीरे धीरे चलाऊंगा फिर अचानक से स्पीड बढ़ाऊंगा। जैसे ही मैंने अचानक स्पीड बढ़ाई है रलार्लो आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी पर इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा खराब है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरगो देखो बिल्कुल सीध में चलती है। सेकंड राउंड में यहाँ पे रलार्लो आगे निकल गई है, यहाँ पे मैं आपको स्लो मोशन में भी दिखा रहा हूँ। इसके जस्ट थोड़ा सा ही पीछे थी हाइपरगो आरसी का। देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीता है। थर्ड राउंड आते आते यहाँ पे बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी है। हाइपरगो आरसी का थर्ड राउंड में भी जीत चुकी और फोर्थ राउंड में देखोगे ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। रलार्लो इसके आसपास में भी नजर नहीं आ रही है। क्लियरली गाइस यहाँ पे भी हाइपरगो बहुत आराम से जीत चुकी है। मेरे को नहीं लगा था कि रलार्लो इतनी आसानी से हार जाएगी रेस को। भाई साहब ये कार इतनी ज्यादा फास्ट रहेगी भाई, इधर से उधर देखते ही देखते निकल रही है। अब होगी एकदम खतरनाक वाली रेस हाइपरगो वर्सेस मैक्स के बीच में। देखते हैं जिन दोनों में से कौन जीतता है। मैक्स का प्राइस है 80,000, हाइपरगो का प्राइस है सिर्फ 18,000 रुपीस। दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे हैं। यहाँ पे डिसाइड करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है फर्स्ट राउंड में कौन जीता है। यहाँ पे सेकंड राउंड में भी देखोगे दोनों साइड बाय साइड चलने लग रहे हैं क्योंकि दोनों की स्पीड 100 के ऊपर जा रही थी। थर्ड राउंड आते आते यहाँ पे देखो सीन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मैक्स जीत चुकी थी थर्ड राउंड में। फोर्थ राउंड में भाई हाइपरगो ने वापस से अपनी स्पीड गेन कर ली है। फोर्थ राउंड में भी जीत चुकी है। फिफ्थ राउंड में भी बहुत ज्यादा आगे निकल गई है गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ क्योंकि ये कार बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हाइपरगो इसके सामने आती है तो गाइस मैक्स इसको तोड़ भी सकती है। क्लियरली यहाँ पे मैक्स जीत चुकी है रेस को क्योंकि गाइस मैक्स 4S बैटरी पे चलती है और इसका प्राइस भी देखो कितना ज्यादा है हाइपरगो के मुकाबले में। अब हाइपरगो के व्हील्स में चेंज करके इसके अंदर ड्रिफ्ट वाले व्हील्स लगाने वाला हूँ। देखते हैं गाइस क्या ये पुरानी वाली हाइपरगो की तरह ही ड्रिफ्ट कर पाती है यानी। इसकी स्पीड देखो गाइस कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसकी आवाज सुनो कितनी भयंकर आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। ओ माय गॉड ये कार देखो बहुत दूर तक ड्रिफ्ट कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि गाइस ये रोड के ऊपर तैरती हुई जा रही है भाई एकदम मक्खन की तरह। मजा आ गया इसको ड्रिफ्ट करा के इतनी अच्छी तरीके से। तो यार पुरानी वाली हाइपरगो भी नहीं कर रही थी ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट करते समय देखो कार बिल्कुल भी गोल गोल नहीं घूम रही है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है। मजा आ गया गाइस इसको ड्रिफ्ट करा के। अब मैं हाइपरगो की ऑफ रोड पे रेस कराऊंगा मैक्स के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ। क्लियरली आप देख सकते हो मैक्स बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। ये हाइपरगो सिर्फ रोड पे चलाने के लिए बनाई गई है गाइस। फिर भी देखो ऑफ रोड में भी भाई ये बहुत ठीक ठाक तरीके से चल रही थी पर ज्यादा मिट्टी आने पर ये इस तरह से मिट्टी में फंस रही थी। क्लियरली ऑफ रोड में मैक्स बहुत तगड़े तरीके से रेस में जीत चुकी है।
अब आमने सामने वाली फाइट कराते हैं हाइपरगो वर्सेस रलार्लो के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। हाइपरगो ने भाई पलक झपकते ही रलार्लो को उठा के फेंक दिया है। मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आया गाइस, ये इतनी बिजली की रफ्तार से ऐसे कैसे निकल गई है। अब कराते हैं थगो फोर, देखते हैं क्या रलार्लो इस बार हाइपरगो को थगो फोर में हरा पाती है यानी। यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम खतरनाक सी फाइट चल रही है। धीरे धीरे करके रलार्लो हारने लगी है और हाइपरगो इसको खींच के लेके जा रही है मिट्टी में। मेरे को लगा था गाइस हाइपरगो की ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण ये हार जाएगी रलार्लो से, पर यहाँ पे सीन पूरी तरीके से पलट चुका है। वापस यहाँ पे हाइपरगो ने हरा दिया है रलार्लो आरसी कार को। अब देखते हैं रलार्लो के सामने क्या टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार टिक पाती है यानी। यहाँ पे भी देखो हाइपरगो शुरुआत से ही टाइगर टेक सुपर सोनिक के ऊपर भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है। धीरे धीरे करके भाई इसने भी पुशबैक में हरा दिया है टाइगर टेक सुपर सोनिक आरसी कार को। अब मैक्स के साथ इसकी फाइट कराते हैं। मैक्स के सामने ये बच्ची लग रही है, मैक्स ने इसको पूरी तरीके से पिचका दिया है भाई साहब। ओवरहीट होने के कारण देखो ये कार बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। अकेली हाइपर को तो इसको नहीं हरा सकती है, तो एक काम करते हैं हाइपर को एक साइड बांध दिया है मैंने, सुपर सोनिक को एक साइड बांध दिया है और रलार्लो को एक साइड बांध दिया है, दूसरी तरफ सिंगल मैक्स को बांध दिया है। देखते हैं गाइस क्या ये तीनों सुपर फास्ट आरसी कार्स मिलकर ये मैक्स को हरा पाती है यानी। यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है। पहले तो यार ये तीनों आरसी कार्स ने बहुत अच्छे तरीके से मैक्स को अपनी तरफ खींचा था, पर अब मैक्स को आ चुका है यहाँ पे गुस्सा। देखो गाइस ये कार फुल पावर लगाकर इन तीनों को घसीट के लेके जा रही है। इसका पीछे का व्हील देखो और कितनी खतरनाक तरीके से वॉबल करने लग रहा है। मैंने आज तक इतना ज्यादा खतरनाक सीन किसी भी कार के अंदर नहीं देखा यार। इसने तो भाई चुटकी बजाते ही तीनों कार को यहाँ पे मिट्टी में मिला के रख दिया। यहाँ पे देखो यार मैक्स ने कितना बड़ा बवंडर क्रिएट करके रख दिया। क्लियरली मैक्स इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये एक एक कार की हालत देखो गाइस। ओ तेरी भाई इतनी मिट्टी गिरी है इसके अंदर, अंदर देखो गाइस इसकी हालत देखो, इसकी तो हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। इसकी हालत देखो गाइस, ओ माय गॉड भाई ये तीन कार्स भी कुछ कम है नहीं। देखो इसको अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे थे ये। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सस्ती हाइपरगो आरसी कार अच्छी लगी या फिर ये महंगी भयानक मैक्स आरसी कार अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। मेरा नाम है विष्णु, फरदीन, दर्श, लोकेश, मोनू, अभिराज, दस्मित, अमन, जीशान, सिमरप्रीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।